राजस्व प्रशासन एवं कर कलेक्टर की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा कर लें। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने कर कलेक्टर की समीक्षा के दौरान स्टाम्प एवं निबंधन, परिवहन, आबकारी, वन विभाग तथा वाहन कर की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए हिदायत दी कि अगले माह में निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि एक अभियान के तहत अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध छापेमारी कर कार्रवाई करें। विद्युत विभाग की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि वसूली में तेजी लाएं तथा विद्युत चोरी रोकने हेतु कार्रवाई करें। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि 15 अगस्त को अधिकाधिक वृक्षारोपण कराएं, जहां बैठक में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। क्या सरेंडर हो रहा है? गजनी का है, बताइए मुझे सर, बताएं गजनी सिंह का क्या मसला है? 10 लाख रुपए तो मिल जाएगा, नीलामी कर दो, चल जाएगा इस मौसम में। बढ़िया सर, बहुत बदमाश आदमी है सर, ये आया पकड़ कर कि इसका बाप आया तो वो कहा कि अमीन को हमने 4.5 लाख रुपया दिया है, एक कागज पे लिख के दिया है कि नहीं मैंने इतना ही पैसा 2 लाख दिया हुआ है। ये बहुत ही शरारती आदमी है। 1.5 लाख उन्हें जमा किया है, उन्हें दुकान उनके नाम से है कि मेडिकल दुकान, बट ये उसको भी गुंजाइश ज्यादा है डॉक्टर साहब, आप जो इसलिए तो आप जो दाखिला होता है जमा करने के लिए आते हैं उस समय आप लोग बैठ जाओ, नहीं तो ये भी है आपका मिनिमम सर्कुलेट करा दें पैसा को, ये भी सच है सर। सही बात, लोन ले रहा है, तहसील होगी,